और लोकसभा चुनाव के बीच नेताओं का जनसंपर्क जारी है। ऐसे चुनावी सफर में कई बार कुछ ऐसे लम्हे गुजरते हैं जो यादगार बनते हैं। ऐसे में जयपुर के बीजेपी कार्यालय में एक इंटरव्यू के लिए जाते वक्त एनडीटीवी संवाददाता राहुल भारद्वाज की ई रिक्शा चालक से एक दिलचस्प मुलाकात हुई। आइए देखते हैं उनकी क्या बातचीत हुई। नमस्कार, राजस्थान की राजधानी जयपुर में है एनडीटीवी और एनडीटीवी चुनावी कवरेज पर निकला है। मैं इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय जा रहा हूँ। मंजू शर्मा यहाँ से प्रत्याशी है, प्रताप सिंह खाचरियावास यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। अब मंजू शर्मा के पास मैं जा रहा था तो अंकल जी मुझे लेकर के जा रहे हैं। अंकल जी ई रिक्शा चलाते हैं, इनसे आपका परिचय करवाते हैं और इनके साथ बातचीत करते चलेंगे कार्यालय तक, फिर जाके देखते हैं क्या होगा। अंकल क्या हाल है? बहुत अच्छे हैं। और मैं आपको अपनी लिखी हुई एक गज़ल आपके एनडीटीवी से कहना चाहता हूँ। उस गज़ल में ही मैं सब कुछ कह दूँगा, मैं रियल में कुछ नहीं कहूँगा, गज़ल के अंदर ही कहूँगा। दर्द बढ़ता ही जा रहा है, दर्द थमने को कहाँ कह रहा है, राहत की सूरत नजर आती नहीं है, गुलाबी चेहरा जर्द हुए जा रहा है। क्या बात है? दर्द बढ़ता ही जा रहा है, रहमानी घर आ जाते जोश दर्द कम हो जाते, मिलने का मौसम सुहाना हो जाता, रंग मेहंदी का हाथों में उतर आता, दर्द बढ़ता ही जा रहा है, दर्द थमने को कहाँ कह रहा है, दुल्हन पशापोस में आ गई है, दुल्हन पशापोस में आ गई है, जिंदगी जिंदगी नई कदम पर आ गई है, अब देखो दूल्हा कौन होगा, अब देखो दूल्हा कौन होगा, सुख होगा या दुख होगा। क्या बात है, क्या बात है? दर्द बढ़ता ही जा रहा है, दर्द थमने को कहाँ कह रहा है। वाह, थैंक यू वेरी मच। लेकिन इस गजल ने मेरा तो बहुत दर्द कम कर दिया, बहुत दर्द कम कर दिया। क्या बात है, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम शौकत रहमानी है। मैंने अपना तकल्लुस उसमें जोड़ा है, कहा ना रहमानी घर आ जाते जोश दर्द कम हो जाते, मिलने का मौसम सुहाना हो जाता, रंग मेहंदी का हाथों में उतर आता। तो आप ये आप लिखते हैं, आपने खुद लिखी है? जी जी, ये आपकी लिखी हुई गजल है? जी, मेरी गजल है लिखी हुई। मैंने इसको आकाशवाणी विविध भारती पर उर्दू चैनल 101.2 पर भी गुनगुनाया है। क्या बात है। तो देखिए, इसी तरह राहों में चलते चलते अनजान लोगों से मुलाकात हो जाती है, कुछ रिश्ते बन जाते हैं। अब आपको और हमारा रिश्ता सिर्फ इसका नहीं है कि मैं आपका पैसेंजर हूँ, बल्कि मैं इनका लिसनर भी हूँ, मैं आपका श्रोता भी हूँ आपकी गजलों का। क्या गुनगुनाया आपने, और ये इनका खुद का लिखा हुआ था। और हम इस वक्त जैसा मैंने बताया जयपुर में है। जयपुर वैसे विकास है, जयपुर के अंदर अच्छा शहर है जयपुर? जयपुर हमारा बहुत ही बेहतरीन शहर है और इसका गुलाबी कलर पूरी दुनिया में मशहूर हुआ है। हमें तो दिखाने कहीं गुलाबी, हम अभी आपको ले चलेंगे गुलाबी नगरी, क्योंकि ये नया जयपुर है हमारा। अच्छा। और नए जयपुर को जयपुर के नाम से ही जाना जाता है। गुलाबी नगरी जिसके नाम जिसका नाम पहले इतिहास में गुलाबी नगर ही रखा गया था, लेकिन आफ्टर जैस क्योंकि सवाई जयसिंह महाराज ने इसको बसाया था, इसलिए उनके
दुनिया से चले जाने के बाद इसका नाम जयसिंह के नाम से जयपुर कर दिया गया। वैसे इसका इतिहास में पुराना नाम गुलाबी नगर है। तो NDTV अगर आप देखते रहेंगे तो आपको हम चुनावी सफर भी करवाएंगे, कुछ गजल भी सुनवाएंगे और इतिहास भी बताते चलेंगे। जैसे आज आपसे अचानक मेरी मुलाकात हो गई, हाँ। ये भगवान का ही मिलाना तो है, हाँ। और भगवान ने आपसे मुझे मिला दिया। तो मैंने एक भजन में ऐसा लिखा है, हरि ओम हरि बोलो हरि ओम हरि, हरि ओम हरि बोलो हरि ओम हरि, शिव की सती है वो शिव की सती, जग नाम है माता पार्वती, हरि ओम हरि बोलो हरि ओम हरि, 108 बार मैया जन्म लई, हर बार भी पाया पति वही, अरे शिव की सती है वो शिव की सती, जग नाम है माता पार्वती, अरे बहावार तुम्हें आ गई, कृष्ण को दरस दिखा गई, खप्पर वाली कहला गई, अर्जुन को धर्मराज बना गई, जग नाम है माता पार्वती, हरि ओम हरि बोलो हरि ओम हरि, हरि ओम हरि बोलो हरि ओम हरि, हरि ओम हरि बोलो हरि ओम हरि। क्या बात है यार अंकल, थैंक यू, गजब कर दे रहे हो बिल्कुल, हाँ बहुत गजब कर दे रहे हो भाई। आपके मिल जाने से दिल में बेहद खुशी जाग गई है, आपके मिल जाने से दिल में बेहद खुशी जाग गई है, और दिल ने ये जाना है कि अगली मंजिल अब मेरी आ गई है। भाई वाह वाह, बहुत खूब अंकल, बहुत मजा आ गया। सीधा भाजपा कर ले अपनी मंजिल आ गए। अच्छा आपने तो बिल्कुल सटीक, भाई वाह बहुत सही। अंकल एक बार आप अपना नाम दोबारा बताइए हमारे। मेरा नाम है शौकत रहमानी। मेरा नाम है राहुल भारद्वाज। NDTV के लिए मंजिल आ गई है, BJP कार्यालय में पहुंच गया हूं।